देखुवा चित्र जदि कहि लोक हठात देखिबो निश्चित भाव रे भाबिबो जे ये एक बरफावृत अंचल बा मु एक स्नोलैंड रो चित्र देखौछि कारण पूरा एकदम धला आमे साधारणत जेतेबेले दूर रु बरफांचल रे चित्र देखिथाउ एमती देखा जाइथाय किंतु ये होची भ्रम सत कथा होची ये वायु प्रदूषण रो चित्र दिल्ली रे वायु प्रदूषण केते मात्रा रे समस्तक मुंड बिंधार कारण पलटिछि आमे समस्ते जानिछु जमुना नदी आज एभली अवस्था को एथिपाई आसीछि कारण दिल्ली रे वायु प्रदूषण रो मात्रा बहुत अधिक बढ़ी जाइछि किभली भाव रे जमुना नदी रो पानी देखा होची ता सीधा सख चित्र देखंतु विषाक्त तो होची जमुना नदी रो पानी एवं एही धळा फेण सृष्टि होची जुआडे आपण देखिबे दूर दूर पर्यंत फेण ही फेण वास्तविक भाव रे ए फेण काही की होची जदि आमे पचारिबा कालंदी कुंज अंचल रो ए संगीन स्थिति को नेकी चिंता व्यक्त करिछंती परिवेशविद माने मध्य एवं यहा को नेकी अनेक आलोचना पूर्वरो मध्य होइ जाइछि जेभली भाव रे आपण जानिछंती ए फेण सृष्टि होची एथि पई कारण वायु प्रदूषण दिल्ली रे बढ़ी चली वायु प्रदूषण एते मात्रा रे बढ़ी जहाँफल एमती चित्र सामना को आसुची जमुना नदी रे पानी उपरे फेणर पूरा एक स्तर सृष्टि होइछि एवं एही फेण केवल गोटे आमे कही परिबानी जल को विषाक्त करुछि एहा परिवेश को मध्य विषाक्त करुछि आपण कहिबे सेंट्रल बोर्ड जहाँ रिपोर्ट देइछि आज सकाळे वायु प्रदूषण मान एते उद्वेगजनक रहिछि एते सांघातिक रहिछि दिल्ली रे निश्वास प्रश्वास नेबारे मध्य असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति लोकमाने एवं दिल्ली रे वायु प्रदूषण केते संगीन ता आमे समस्ते जानिछु जेहेतु ऑड इवन नंबर मध्य मझिरे लागू करा जाइथिला किभली प्रदूषण को रोका जाय परिबो ए चित्र स्पष्ट करुछि दिल्ली रे वायु प्रदूषण बढ़िबा द्वारा जमुना नदी रे केमिति फेण भलिया सृष्टि होइछि एवं एहा केवल जल को दूषित करूनी ये वायु प्रदूषण जल प्रदूषण रो स्थिति एते अधिक संगीन होइछि ताहा दिल्ली वासी बा राजधानी वासींकर निश्वास प्रश्वास नबारे समस्या होउछि विशेष करी वयस्क लोक कोंतु छोटो पिला कोंतु एमानुकु नेकि अति उद्वेगजनक परिस्थिति सृष्टि होइछि परिवेशविद जयकृष्ण पाणिग्राही वर्तमान समय मो सहित जोड़ी होइछंती अधिक आलोचना करबा पई जयकृष्ण बाबू स्वागत करू आपण को अर्गस न्यूज को विशेष भाव रे आमे जदि देखिबा जमुना नदी उपरे ये जो धळा रंगर फेण सृष्टि होईची जहां बरफ भलिया देखा जाउची ए फेण काही की खराब एवं ए फेण रे एमिति कोन रहीची जहां विषाक्त बोली कहा जाउची एथिरे जमुना नदी रे गाधोइबा द्वारा ए पानी को व्यवहार करबा द्वारा बा वायु प्रदूषण द्वारा दिल्ली वासींकर वर्तमान स्वास्थ्यर चिंता सामना को आसुची देखो तो भारत रो राजधानी दिल्ली गोटे कुख्यात शहर रो आख्या अर्जन करछि एथि पई समग्र विश्व स्तर रे प्रदूषण रो मात्रा सर्वाधिक रहिछि दिल्ली शहर रे एक राजधानी शहर देशर राजधानी जोटि कि वायु प्रदूषण यथेष्ट उच्च स्तर रे रहिछि ता सहित एबे जमुना नदी रो प्रदूषण मात्रा मध्य बहु गुण रे वृद्धि पाइछि आपण देखुछन्ति जो चित्र वर्तमान जमुना नदी रे धरा फेण संपूर्ण भाव में परिपूर्ण रही मूल में केते गुड़े कारण रही वायु प्रदूषण तो गोटे कारण अन्य कारण मुख्य मुख्य हो दिल्ली रे गोटे जिते वर्ज्य पदार्थ निष्कासित होकासन संपूर्ण भाव में जमुना नदी को होतीपाई कि तार जल गुणात्मक मान जथेष निम्न स्तर में रोचे सबु प्रकार वर्ज्य पदार्थ मैला जल सबु किछि जमुना मध्य को निष्कासित होउछि अन्य पक्ष रे टिके बाहर अंचल रे दिल्ली शहर चतुर्थी घरे चारिपट रे जो सबु चाष जमि रहिछि सेथि जेते परिमाण रो रासायनिक सार व्यवहार करा जाउछि अवशिष्ट सार वर्षा जल माध्यम रे से मध्य आसिकिरि ये नदी मध्य रे पहुँचुछि कल कारखाना रही दूषित जल मध्य नदी मध्य को छड़ा जाऊँगी तेणु सामग्रिक भाव एत अधिक परिमाण विभिन्न प्रकार प्रदूषित पदार्थ जनसंख्या विशिष्ट शहर मानने डिटर्जेंट व्यवहार कर प्रोसेस आसुची समस्त प्रकार प्रदूषण सृष्टि करुवा पदार्थर संबित प्रभाव रे एभली जो धरा क्षण आपण देखुछन्ति सृष्टि होउछि जहाँ स्वास्थ्य पाई अत्यंत लोक मानकर व्यवहार जल बहन करू नाही तेणु संपूर्ण रूप
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରହିଛି ଯମୁନା ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ जयकृष्ण बाबू आज सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सका सुधा जो रिपोर्ट देखिए वायु प्रदूषण मान 270, 324, 325 रही मान के पहुंचे आम विपज्जनक कह वायु प्रदूषण प्रभाव जमुना नदी पर कि पड़ी आप कहले ठीक अच्छे कृषि क्षेत्र में रासायनिक सार व्यवहार करमी में मिशुच्छ जो पा प्रदूषित होती वायु प्रदूषण प्रभाव जमुना नदी पर एक कथा को आम के रिलेट करवा देखो वायु प्रदूषण प्रभाव जी विषाक्त कणिका पदार्थ वायुमंडल भाषुची परवर्त समय धीरे धीरे भूमि उपर जमा होती नदी जल रे मिशुची तेणु से जो जो विषाक्त पदार्थ रही प्रदूषित वायु से कणिका पदार्थ मध्यम वर्षा जल मध्यम आसिक नदी जल रे प्रवेश करुची ये गोटे दिग किंतु ता सहित मुख्य दिग रही जिते परिमाण आवर्जना मैला पदार्थ मैला जल कलकारखाना घर क्षेत्र कृषि क्षेत्र ये सब व्यवस्था क्षेत्र ये सब जगार बहुत परिमाण मैला पदार्थ आसिक पहुंचुची जमुना नदी आपण जदि देखिए दिल्ली में जिते बड़े जमुना नदी प्रवेश करुची तार जलर गुणात्मक मान ଉତ୍ତମକ ଭାବରେ ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀ ବାହାରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ପଦାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଏ କଥାଟାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଯେମିତିକି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଅଡ୍ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯମୁନା ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଧଳା ଫେଣ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଦି ଆମେ ନଦୀ ସଫାର କଥା କହିବା କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରାଯାଇ ପାରିବ କି? ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ସ ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ମଇଳା ପଦାର୍ଥ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆଗେ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସିଧାସଳଖ ସେ ମଇଳା ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ ଯେମିତି ନ କରିବ ତାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜଳ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଇଥିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉତ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇକି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ଯମୁନା ନଦୀର କାଳନ୍ଦୀକୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାବଦରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।